दीदी दीदी क्या चल रहा है? अभी न्यूज़ टॉप इंडिया चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक चुनाव कर्मी सह शिक्षक की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। मामला बिहटा से जुड़ा हुआ है, जहां 22 प्रखंडों के अंदर चौथे चरण में मतदान संपन्न हुआ। ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वहीं परिजनों और साथी शिक्षकों ने सड़कों पर शव रखकर बवाल किया है। बिहटा प्रखंड के 22 पंचायतों में बुधवार को वोट डाले गए। इस दौरान एक चुनाव कर्मी सह शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मृतक शिक्षक की पहचान थाना क्षेत्र के दोघड़ा छिलका निवास मुंद्रिका प्रसाद के 40 वर्षीय पुत्र सुदर्शन प्रसाद के रूप में हुई है। मौत से आक्रोशित शिक्षक के साथियों व परिजनों ने प्रखंड चुनाव अधिकारी पर छुट्टी नहीं देने का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग को लेकर बिहटा औरंगाबाद मुख्य सड़क पर शव को रखकर जाम कर दिया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिहटा के राघोपुर स्थित बाजार समिति के बने मतगणना केंद्र पर जमुनापुर पंचायत के 14 नंबर टेबल पर ईवीएम लेने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। आरोप है कि शिक्षक की तबीयत देर रात खराब होने लगी। अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन अधिकारियों ने छुट्टी नहीं दी। वहीं काम खत्म होने के बाद ही चुनावकर्मी को छुट्टी मिली। इसी दौरान घर जाने के वक्त रास्ते में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिससे शिक्षक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक शिक्षक पाली के मध्य विद्यालय में करीब 2003 से शिक्षक के रूप में पद स्थापित थे। चौथे चरण के मतदान के बाद मतगणना केंद्र पर मतपेटियों व ईवीएम ले जाने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी क्रम में सुदर्शन प्रसाद को ईवीएम ले जाने के दौरान तबियत खराब होने लगी और घर लौटने के समय उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी उर्मिला देवी व बेटे बेटी समेत तमाम परिवारजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आज के खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया।